Good morning, friends. In last chapter, we studied about the definition and introduction of economics, different kind of statistical data, diagram and graphs, how to use in economics. In this chapter, we are going to study about the fundamental concept and terminologies. इकोनॉमिक्स में कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं और टर्मिनोलॉजी यानी कि भाषा परिभाषा जो भी वर्ड्स इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है उसकी परिभाषा क्या है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में दो अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग सेम नहीं होते, दे आर नॉट लाइक अ सिनोनिम्स. ऑल द वर्ड्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशंस, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इन जनरली वी यूज़ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बोथ द वर्ड्स इन अ सेम मैनर, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है. इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग है और ग्रोथ की डेफिनेशन अलग है. वैसे ही कुछ पारिभाषिक वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज ऑफ इकोनॉमिक्स आर गिवन इन दिस चैप्टर. For example, price and value, goods and services, type of goods, wealth and welfare, meaning and characteristics of wealth, types of wealth, welfare, factors of production, trade cycle, definition of a trade cycle, phases of a trade cycle. तो ये सब इस chapter के अंदर है जो आज हम discuss करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज. सो इकोनॉमिक्स स्टडीज द रेशनल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स. रेशनल यानी जो कैलकुलेट करते हैं कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, दैट इज़ कॉल्ड रेशनल बिहेवियर. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेशनलिटी, एक्टिविटीज कंडक्टेड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो हमने लास्ट चैप्टर में समझ लिया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है. इट इज़ नेसेसरी एंड हेल्पफुल टू गेट क्लैरिटी अबाउट सम फ्रिक्वेंटली यूज कॉन्सेप्ट एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ इकोनॉमिक्स. इन दिस चैप्टर वी क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट गुड्स, सर्विस एंड फैक्टर्स. सेकंड कॉन्सेप्ट of and difference between price and value, wealth and welfare and trade cycle. तो पहले देखते हैं price और value में क्या difference है, फिर उसके values के बारे में बात करेंगे कि use value कौन सी और exchange value कौन सी और इन दोनों के बीच में relation क्या है, what is the relationship between use value and exchange value. तो फर्स्ट प्राइस और वैल्यू को देख लेते हैं. सो इन एवरीडे लैंग्वेज वी यूज द वर्ड प्राइस एंड वैल्यू अल्टरनेटिवली टू डोनेट द सेम मीनिंग. फॉर इंस्टेंस वी मेक स्टेटमेंट लाइक दिस गुड इज एक्सपेंसिव, दिस गुड इज वैल्यूएबल, दिस गुड हैज अ हाई प्राइस. व्हेन दिस स्टेटमेंट्स आर मेड, दे आर मेड विदाउट ड्रॉइंग अ डिफरेंस बिटवीन प्राइज एंड वैल्यू. तो जब हम ऐसा कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसके अंदर प्राइज और वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हमें पता नहीं चलता है. इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइज एंड वैल्यूज आर डिफरेंट एंड इट इज़ नेसेसरी टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू. तो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने पहले ही बोला कि इकोनॉमिक्स में हर एक वर्ड्स की डेफिनेशन अलग अलग होती है, कोई दो वर्ड्स सिनोनिम्स के जैसे यूज़ नहीं होते. तो हमें यहाँ पहले देखना है फ्रेंड्स की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज़ कॉल्ड वैल्यू. तो वैल्यू कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम टू व्यू पॉइंट्स, जिसमें पहला है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ यूज़, यानी कोई भी वस्तु को हम कैसे यूज़ करते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखने चाहिए देखने जाए तो वो बन जाता है यूज़ वैल्यू. एंड सेकंड फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड एक्सचेंज वैल्यू, यानी अगर हम कोई वस्तु एक्सचेंज करते हैं और
उसको जो कैलकुलेट करते हैं वो बन जाता है हमारा एक्सचेंज वैल्यू। तो पहले समझ लेते हैं यूज़ वैल्यू क्या है। व्हाट इज़ यूज़ वैल्यू? द यूज़ वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी टू अ कंज्यूमर फॉर हिज हर वेरियस नीड्स। फॉर एग्जांपल फूड, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा हैव अ हाई यूज़ वैल्यू फॉर ऑल पीपल इन जनरल। और नेक्स्ट है एक्सचेंज वैल्यू। तो ये क्या है? तो व्हेन अ कमोडिटी और सर्विस इज एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी सर्विस देन द वर्थ ऑफ वन यूनिट ऑफ दिस कमोडिटी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द अमाउंट ऑफ अदर कमोडिटी विच इज कैन एक्सचेंज फॉर। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे 1 kg आपने वीट एक्सचेंज किया 1 kg राइस से, तो इसका एक्सचेंज वैल्यू हो जाएगा 1 kg वीट इज़ 1 kg राइस। तो एक वस्तु देने के बाद उसके सामने जो आपको दूसरी वस्तु मिलती है उसको बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू ऑफ दैट गुड। अब एक्सचेंज वैल्यू और यूज़ वैल्यू में रिलेशन क्या है? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यूज़ वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू? इफ़ अ कमोडिटी हैज़ हाई यूज़ वैल्यू देन इट इज़ नॉट नेसेसरी सेड टू हैव हाई एक्सचेंज वैल्यू। यानी कोई भी कमोडिटी, कोई भी वस्तु की अगर यूज़ वैल्यू हाई है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी हाई होगी। बट इफ़ अ कमोडिटी हैज़ हाई एक्सचेंज वैल्यू देन इट श्योरली हैज़ सम यूज़ वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाई द स्केसिटी ऑफ रिसोर्स इन रिलेशन टू इट्स नीड और यूज। स्केसिटी सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। गुड्स आर डिमांडेड इफ दे हैव सम यूज वैल्यू एंड इफ दे आर स्केस इन सप्लाई इन रिलेशन टू दैट डिमांड और द सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाई अ फ्यू पीपल देन दे हैव अ हायर एक्सचेंज वैल्यू। यानी जो वस्तुओं की डिमांड है और वो वस्तुओं की कमी है तो वो वस्तु की एक्सचेंज वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल प्रेशियस मेटल्स, डायमंड्स एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड इफ गुड्स आर हाईली यूजफुल बट हैव अनलिमिटेड सप्लाई देन दे डू नॉट हैव एक्सचेंज वैल्यू और मे हैव वेरी लो एक्सचेंज वैल्यू। तो कोई भी वस्तु की यूज़ में वो वस्तु की डिमांड ज़्यादा है और उसके सामने उसका सप्लाई भी अनलिमिटेड है, तो यहाँ पे अपने आप उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है वो क्या होगी? कम हो जाएगी, कम होगी। अगर हम एग्जांपल देखें तो थ्रू एयर एंड सनलाइट हैव वेरी हाई यूजफुलनेस ऑफ फॉर लाइफ। जैसे एयर और सनलाइट वो सबको चाहिए, बहुत यूज़फुल है, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो दे हैव नो एक्सचेंज वैल्यू एज दे आर एबंडेंट इन सप्लाई। तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या मिलेगी? आप किसी को सनलाइट दे के उसके बदले में कुछ खरीद सकते हो, या तो आप एक पॉलीथीन में एयर को पैक करके किसी को दे के उसके सामने कुछ खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये एबंडेंट यानी बहुत सारा है। तो यहाँ पर उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। In earlier times, even water was a good with high use value, but no exchange value. तो पहले के time में water resource एक ऐसा resource था जिसकी use value बहुत थी, यानी water सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, but उसकी exchange value नहीं थी क्योंकि सभी जगह पर easily पानी available होता था। पर आज की date में fresh water resources due to the pollution decreases, पानी कम होता जा रहा है। अभी तो मिनरल वाटर्स आप देखते हैं बॉटल्स में मिलता है। तो यहाँ पे जिस रीजन, जैसे ड्राई रीजन है, डेजर्ट रीजन है, तो वहाँ पे आप पानी बेच सकते हो, वहाँ पे आपको उसके बदले में अच्छा एक्सचेंज मिलेगा। तो इस तरह से एक्सचेंज वैल्यू और यूज़ वैल्यू हम जान सकते हैं। जैसे इन प्रेजेंट टाइम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज रिड्यूसिंग इन रिलेशन टू इट्स नीड एंड यूज बाई पीपल एंड सो इट हैज़ स्टार्टेड कमांडिंग एंड एक्सचेंज वैल्यू।
In commodity economics, use of the word value is usually in context of exchange value of a commodity with another commodity. Thus, value means the worth of one unit of a commodity in term of units of another commodity exchange. तो वैल्यू क्या होती है कि कोई भी वस्तु का एक यूनिट और दूसरी वस्तु का यूनिट के सामने जो एक्सचेंज रेट होता है कि मैंने एक दिया सामने मुझे दो मिला, मैंने दो दिया सामने मुझे एक मिला, सो दैट इज कॉल्ड वैल्यू. एंड व्हाट इज प्राइस? सो इफ अ कॉमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर मनी देन सच मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू इज टर्म एज प्राइस. कोई भी वस्तु को हमने बेचा, सामने दिया और उसके बदले में हमें पैसा मिलता है तो वो वस्तु की प्राइस फिक्स हो गई, ऐसा बोला जाता है. और वैल्यू में वस्तु के सामने वस्तु, सेम यूनिट हमको एक्सचेंज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू. तो दिस इज यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू. मेरे ख्याल से अब आप सब जान गए होंगे कि प्राइस और वैल्यू में क्या डिफरेंस है. प्राइस यानी मॉनेटरी यानी कि फाइनेंशियली एक्सचेंज, और वैल्यू यानी यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज. अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें क्या डिफरेंस है. तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज गुड्स. तो कमोडिटीज व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड गुड्स. यानी कोई भी वस्तु जो फिजिकली जिसको आप टच कर सकते हो, उठा सकते हो, कहीं ले जा सकते हो, दिस ऑल आर कॉल्ड गुड्स इन इकोनॉमी. इन इकोनॉमीज दे आर मीन्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंजप्शन. तो यहाँ पे वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी जो जो भी ज़रूरत है उसको फुलफिल करते हैं. एंड सर्विसेज, तो सर्विसेज क्या है? तो कॉमोडिटीज विच आर इंटेंजिबल और डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. इंटेंजिबल यानी जिसको आप छू नहीं सकते वो, और जिसका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, आर कॉल्ड सर्विसेज. इन इकोनॉमिक्स दे आर मीन्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. वो हमारी लाइफ की जो जरूरियात है उसको फुलफिल करते हैं. इकोनॉमिक स्टडीज एक्टिविटीज प्रिटेनिंग टू प्रोडक्शन कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमिक्स क्या क्या स्टडी करता है? तो जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, कंजप्शन की एक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी है, किस लिए? ये गुड्स और सर्विस के लिए, उसके बारे में स्टडी करती है. द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिफरेंट थ्रू बोथ आर इम्पोर्टेंट इन इकोनॉमिक्स. अब गुड्स और सर्विस दोनों के नेचर अलग अलग हैं, पर इकोनॉमिक्स में वो दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. फूड इज़ अ गुड, जिसको हम कॉमोडिटी बोल देते हैं, बट कुकिंग इज़ अ सर्विस, पर उसको पकाना उसको सर्विस बोलते हैं. यूनिट ऑफ गुड्स और स्टॉक ऑफ गुड्स कैन बी मेजर्ड कैडिनली, मेनली. कैडिनली मीन्स मेनली. सर्विसेज जनरली कैन नॉट बी मेजर्ड इन कैडिनल यानी क्वांटिटेटिव या तो न्यूमेरिकल मैनर में उसको मेजर नहीं किया जाता है. हाउएवर द टाइम स्पेंट आफ्टर प्रोवाइडिंग अ सर्विस कैन बी मेजर्ड. पर जो भी सर्विस हमें मिली उसके पीछे कितना टाइम स्पेंट हुआ है वो हम मेजर कर सकते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ अ सर्विस इज सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, the need for knowledge and curiosity is satisfied by the service of education. However, the exact contribution of the service of education is knowledge creation is abstract. However, a book is a good and it may be possible to tell about the amount of information obtained from the book. Knowledge lena hai, par kitna knowledge lenge wo kaise pata chalega? अगर हमारे पास टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो भी डिटेल्स है वो हम पढ़ेंगे तो उसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि भाई 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में हमने इतना पढ़ा. तो इस हिसाब से गुड्स और सर्विस दोनों अलग अलग वस्तु है.
अब जानते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरह की वस्तु को हम गुड्स में इंक्लूड कर सकते हैं और उनके डिफरेंस क्या है। तो पहला है जो हमने अभी बोला, फिजिकल यानी टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स। तो सम गुड्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक बॉल बैट टेलीविजन रेफ्रिजरेटर स्टोव मोबाइल फोन एक्सेट्रा। दिस कैन बी मेजर्ड, वेर एज सम गुड्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली एंड दोज आर कॉल्ड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, मेडिकल, कंसल्टेंसी, कुकिंग, ये सब। फिर है नॉन इकोनॉमिक गुड और इकोनॉमिक गुड। नॉन इकोनॉमिक गुड और इकोनॉमिक गुड में क्या डिफरेंस है? तो गुड्स विच डू नॉट कमांड एक्सचेंज वैल्यू आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक गुड। जिसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती है वो हो जाते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड। तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जहाँ पे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होने वाला है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक गुड्स में भी अप्लाई होता है। दे आर एबंडेंट इन सप्लाई एंड डू नॉट गो थ्रू द इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू दे आर कंज्यूम बाई पीपल। तो यहाँ पे कोई इकोनॉमिक प्रोसेस इसके पीछे होती नहीं है, ना ही उसका प्रोडक्शन करना है, ना ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। उसके एग्जांपल हमने देख लिए, जैसे सनलाइट है, एयर है, ये सब। अब व्हाट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक गुड? गुड्स विच कमांड एंड एक्सचेंज वैल्यू इन द मार्केट आर कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स। द कमांड एंड एक्सचेंज वैल्यू एज दे आर स्कैर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड देयर सप्लाई कैन बी हेल्ड अंडर कंट्रोल। तो ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इसकी एक्सचेंज वैल्यू पता चलती है और वही गुड्स बोले जाते हैं इकोनॉमिक गुड्स। फिर थर्ड टाइप है ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिसेबल गुड्स, यानी लंबे टाइम तक चलने वाले गुड्स या तो शॉर्ट टाइम तक चलने वाले गुड्स। तो गुड्स विच कम टू द मार्केट कैन बी ड्यूरेबल और पेरिसेबल। ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड रिपीटेडली। फॉर एग्जाम्पल शूज, क्लोथ्स, टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर एंड सो ऑन। एंड पेरिसेबल गुड्स कैन नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आर कंज्यूमेबल ओनली वंस। जैसे कि आप मेल खरीदते हो, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो जो एक बार खरीद सकते हैं फिर उसको लंबे टाइम तक नहीं रख सकते वरना वो ख़राब हो जाते हैं, उनको फेंक देना पड़ता है। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं उसको बोलते हैं पेरिसेबल गुड्स और जो लंबे टाइम तक चलते हैं उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। फिर और एक टाइप है इसका प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। तो गुड्स आर क्लासिफाइड एज प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स बेस्ड ऑन देयर ओनरशिप एंड नेचर ऑफ यूज़। यानी कौन से प्राइवेट गुड्स है और कौन से पब्लिक गुड्स है वो उसके ओनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है और उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्राइवेट गुड्स आर गुड्स विच कैन बी पोजेस्ड एंड ओन्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल। जो प्राइवेट गुड्स होते हैं उसका उसका कोई एक मालिक होता है, उसके कंट्रोल में वो होता है। ही और शी टेक्स ऑल डिसीजन रिगार्डिंग दिस गुड्स। दिस गुड्स पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड एक्सक्लूडेबिलिटी। यानी कि उसको हम अलग कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिवनेस यानी उसको किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक्सक्लूडेबिलिटी मीन्स वंस अ गुड इज ओन एंड बीइंग यूज बाय वन इंडिविजुअल अनदर इंडिविजुअल कैन नॉट पजेस एंड यूज इट एट द सेम टाइम। यानी जब एक आदमी उसको यूज़ कर रहा है तब दूसरा कोई उसको वही टाइम पे यूज़ नहीं कर सकता है। एंड इंडिविजुअल्स हैव टू कम्पीट फॉर द ओनरशिप ऑफ दिस गुड्स। उसका पूरा राइट्स उसके पास होता है। फॉर एग्जाम्पल अ पैकेट ऑफ बिस्किट परचेज बाय वन चाइल्ड इन अ मार्केट विच हैज़ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग बायर्स।
comes under the ownership of this child and another child is included from having the same packet of biscuit. The individual who pays a price gets the good and others cannot have the same unit. For example, one who does not pay price for a mobile phone does not get it. यानी अगर आप उसका पैसा नहीं दोगे तो वो वस्तु आपकी नहीं होगी. On the contrary, यानी उससे उल्टा देखा जाए तो public goods can be used by many individuals at the same time. यहाँ पे public goods को बहुत सारे लोग एक ही time पे use कर सकते हैं. They possess the characteristics of joint demand and collective consumption. Such goods are jointly demanded by many people. उसकी डिमांड एक साथ में बहुत सारे लोग कर सकते हैं. इफ वन इंडिविजुअल यूजेस इट द अदर कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड यानी उसको हम किसी और को मना नहीं कर सकते हैं फॉर इट्स यूज एंड इन दिस वे दे आर कलेक्टिवली कंज्यूम हैंस दीज आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स. तो इसको हम पब्लिक गुड्स बोलेंगे जो सब मिलके यूज कर सकते हैं. दे आर इधर प्रोवाइडेड फॉर बाई द गवर्नमेंट फॉर ऑल और सम पीपल पे फॉर इट टूगेदर. या तो वो गवर्नमेंट की साइड से आपको प्रोवाइड किया जाता है या तो कुछ लोग साथ में मिलके वो परचेस कर सकते हैं उसके लिए पैसा दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल अ पब्लिक गार्डन और द गार्डन ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी. तो पब्लिक गार्डन में कोई भी जा सकता है पर अगर आपकी सोसाइटी में कोई गार्डन है तो सोसाइटी के जो मेम्बर्स है जिन्होंने वहाँ पर घर परचेस किया है वही उसका यूज़ कर सकते हैं. इन शॉर्ट प्राइवेट गुड्स आर ओन एंड यूज बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक गुड्स आर ओन बाई द गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ पीपल एंड आर यूज कलेक्टिवली. और एक टाइप है कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. इसमें क्या होता है कि गुड्स कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. When a consumer consumes a good and this good is capable of satisfying a particular want directly, then it is called a consumer goods. अगर कोई ने कोई किसी ने कोई वस्तु खरीदी और उससे उसकी wants directly fulfill हो जाती है तो उसको बोलते हैं consumer goods. These goods have passed the final stage of production. जैसे बिस्किट देख लो तो वो बनता है बीट के फ्लोर में से. पर बिस्किट हमने खाया हमारी भूख मिट गई तो वो फाइनल यूज़ हो गया तो वो कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है उसको. और दूसरा है प्रोड्यूसर गुड्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन अ गुड इज़ यूज एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फाइनल गुड व्हेन इट इज़ परचेज बाय अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड when it is not directly consumed by the consumers but this good helps in the production of a final good then such a good is called a producer goods. यानी ये direct use में नहीं आता है. जैसे wheat है तो wheat को हम कुछ direct तो use नहीं कर सकते हैं. पहले उसमें से flour बनता है फिर उसके अंदर sugar मिल sugar घी ये सब मिला के बिस्किट बनाया जाता है फिर हम बिस्किट को यूज़ कर सकते हैं. तो वीट जो है वो दूसरे कोई प्रोड्यूसर को काम में आया फ्लोर बनाने के लिए वो फ्लोर और कोई को काम में आया बिस्किट बनाने के लिए. तो ऐसे जो गुड्स होते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर्स गुड्स. फॉर एग्जांपल कॉटन यूज टू मेक क्लोथ मशीन्स यूज इन फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस गारमेंट्स a tractor which facilitates in producing food grains utensil used to cook foods etc they satisfy human wants through the final good and not directly. ye kuch directly hame hamari jo wants hai usko fulfill nahi karta hai.